चाय तो हम पियेंगे बट हेल्दी वे में, एक चम्मच गुड़ का। तो चाय बन जाए, उसमें आप जितना आपको गुड़ चाहिए, कमी गुड़, क्योंकि वेट मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं एंड भी आपकी बन गई चाय। तो चलिए चाय एंजॉय करती हूँ अब मैं। तो गाइस मैं अभी सात्विक को पहले खिचड़ी बनाऊंगी, फिर हमारा भी स्टार्ट कर दूंगी साथ ही साथ। तो ये मैंने दाल चावल जो है भिगो के रखा था सात्विक का, रात में मैं भिगो के रख देती हूँ ताकि सुबह तक अच्छे से फूल जाए। एंड अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़े से पम्पकिन, बस मैंने पम्पकिन छील के रखी हूँ, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप भी ऐसे कोई भी वेजीज अपने बच्चे को ऐड करके दे सकते हैं, मेरे पास जो है मैं वो डाल देती हूँ। एंड ये मैंने जुकिनी जो होता है लौकी जैसा इसका टेस्ट होता है, तो ये जुकिनी को मैंने छिल लिया है, क्योंकि छिलका पता नहीं इसको कई बार उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता। मैंने ट्राई किया था छिलके के साथ, तो कई बार मैं छिलके के साथ बनाती हूँ, कई बार बिना छिलके के, तो मैंने इसको पील कर लिया है एंड मैं इसको ग्रेट कर लूंगी अभी। एंड यहाँ पे पालक, तो पहले मैं पालक ही चॉप कर लूंगी। सब एक साथ डाल के मैं थोड़ा सा हल्दी डाल के बस गैस पे डाल दूंगी और बीच बीच में चलाते रहूंगी, उसका खिचड़ी बन जाएगा। और हमारे लिए मेरे को पालक बॉईल करना है एंड आटा लगाऊंगी उसका। हमने कल फ्रेश पालक लाया था, तो दो बंडल लाया था, तो आज मैं एक बंडल पूरा यूज कर दूंगी एंड एक बंडल कभी भी डेट में यूज कर दूंगी। यहाँ पे पालक ऐड कर लिया मैंने, लास्ट में मैं हल्का सा घी डाल के और जीरा डाल के उसको तड़का दे देती हूँ, या प्लेन भी वो खा लेता है, तो आपके बच्चों को जैसा पसंद है। मैं तो कभी डालती हूँ तड़का कभी नहीं। ये सब मैं एक इसमें डालती हूँ, तो दाल चावल उसमें कम है एज कम्पेयर टू वेजीज, एंड इसमें भी मैंने ढेर सारा वेजीज बता दी, तो मैं ट्राई करती हूँ। की चोटी उसके पापा ने बना दी है, लड़की जैसा लग रहा है। तो देखिए गाइस मैंने तीनों वेजेस डाल दिया है, मैं अब इसमें वाटर ऐड कर दूंगी, तो साथ में इसमें प्याज भी डाल दिया है, जब मैं पालक बॉइल कर लेती हूँ एंड साथ ही साथ छोले की तैयारी कर लेती हूँ, छोला भी बना ही दूंगी, उसके बाद सिर्फ पराठे बन जाएंगे मेरे। तो साथी को सुलाना, आई थिंक ही इज गेटिंग क्रैंकी लिटिल बिट। मम्मा ओके, छोले का चॉपिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले एक तेज पत्ता डाल दूंगी, बे लीफ एंड वन सिनेमन का इतना सा टुकड़ा एंड थोड़ा सा जीरा। उसके साथ एक छोटा सा लौंग, ये सारी चीजें डाल के चला लूंगी। थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बनती है, राजमा या छोले अगर हम मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस हमारा जीरा और ये सब थोड़ा भुन गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गए, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जिंजर, जो कि मैंने ग्रेट करा हुआ जिंजर है वो ऐड कर दूंगी, एंड उसके बाद बारीक कटा हुआ गार्लिक लहसुन, दोनों को अच्छे से भून लूंगी, थोड़ा ब्राउन कर दूंगी ताकि उसका जो स्वाद होता है कच्चा लहसुन का वो निकल जाए।
एंड अब मैं अनियन ऐड कर दूंगी इसमें। एक पूरा अनियन डाला मैंने बड़ा वाला, थोड़ा कुक हो जाएगा, मैं इसको ढक देती हूँ। कभी कभी मैं टमाटर पेस्ट भी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी टमाटर काट के डाल देती हूँ, तो आज मैं सब कुछ ऐसे ही डाल रही हूँ। जब तक मैं खाना बना रही हूँ, उसके पापा बोले कि अभी वेदर ठीक है तो बाहर इसको लेके जा रहे हैं। ये छोटी पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसके मुंह पे बाल आते थे तो हमने सोचा कि जब साथ में थोड़ा देर के लिए बाहर जाता है ना, तो ऐसा लगता है जितने पेंडिंग काम है सब कर लो इस टाइम पे, पता नहीं ये टाइम मिलेगा कि नहीं। बीच बीच में चलाते रहूंगी, बट ऐसे ढक देने से क्या होता है, कम ऑयल में आपका जो ये है प्याज वगैरह है वो अच्छे से कुक हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो अपने आप से ये कुक होना ही है, ज़्यादा ऑयल से तो ये बहुत जल्दी कुक होते हैं, बट हम लोग कम ऑयल में बनाते हैं तो फिर इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। अब देख लें ये पूरा ग्रीन खिचड़ी बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। बस इतनी सी हल्दी में सात्विक के इसमें डाल रही हूँ, तो देखिए अभी अनियन अच्छे से ब्राउन हो गया है। बस मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी अच्छे से, ये जो मैंने डेढ़ टमाटर काटा है बड़े टमाटर के लिए, तो मैं ऐड कर दूंगी। एंड इसके साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, सॉल्ट एंड हल्दी जो भी मसाले वो ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर के साथ ही भून जाए। छोले का मसाला अच्छे से भून गया, आप देख रहे हैं सब एक जगह आके ऐसे इकट्ठा हो जा रहा है, मतलब मसाला हमारा भून चुका है। तो मैं आटा लगा लूँगी, मैंने छोले बना लिए और खिचड़ी भी बन चुकी है, तो मैं आटे में ज़रा सा अजवाइन डाल दूँगी, आटे में ज़रा सा अजवाइन डाल दूँगी, इसको ऐसे अजवाइन डाल दिया। सॉल्ट मैं नहीं ऐड करूँ क्योंकि छोले में भी सॉल्ट है, तो मैं बस प्योर ऐड करूँगी अजवाइन। अच्छे से आटे में लगा लेती हूँ इसको, सात्विक के बर्थडे के मैं सोच रही पालक पूरी बनाऊंगी, है ना, सही साइड है ना। सो गाइस देखिए मेरा आटा रख के तैयार हो गया, इसको मैं ढक के रख दूंगी, थोड़ी देर सेट हो जाएगा, फिर इसके लोई काट के फटाफट पराठे बना लूंगी।
क्योंकि बाकी पूरा खाना बन गया, साथ में कभी सोया तो मैं पराठे बना के रख सकती हूँ। हमारा आटा रेडी। आटा अच्छा गुनने का निशान ये होता है कि आपका पूरा जो है अच्छे से खाली हो गया। आटा बहुत अच्छा लगा है मैं रख। तो गाइस ये देखिए सातवें की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अब जब उठेगा तो बस मैं उसमें घी डाल दूंगी हल्का सा एंड उसे तब सर्व कर दूंगी। तो ये बन गया है हमारा छोला बन गया। मैं फटाफट पराठे बना देती हूँ क्योंकि वो उठ जाएगा थोड़ी देर में। एंड हमारा छोला भी बन चुका है, देख रहा हूँ हमारा छोला ही बन गया। बस मैं पराठे सेकूंगी। सो गाइस तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। मैं फटाफट पराठे बेल लूंगी। गाइस ये रहा हमारा संडे का थाली, छोले पालक पराठा एंड राइस थोड़ा सा एंड ये पापड़ जो मैंने ओवन में मैंने सेका है एंड सैलेड, थोड़ा सा मिर्ची का अचार। मुझे मिर्ची का अचार बहुत पसंद है इसलिए मैं हर खाने में थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो अभी खुद खाने से पहले मैं सात्विक को थोड़ा खिला देती हूँ, फिर हम ये लंच एंजॉय करेंगे। तो हम लोग फाइनली थोड़ी देर के लिए बाहर आ ही गए। रोक नहीं पाई मैं खुद को क्योंकि संडे था, तो 10-15 मिनट के लिए यहीं पार्क के पास आ गए हैं, जो पार्क मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था वहीं पे थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छी धूप है तो ठंड में ही धूप लेना बहुत ज़रूरी है और मैं थक भी गई थी सुबह से काम कर करके, तो सोची 10-15 मिनट यहीं पर आके बैठते हैं हम। Oh yeah, baby.
रहा है भी। सो गाइज हम यहाँ पे थोड़ी देर और वॉक करेंगे एंड उसके बाद हम घर चल जाएंगे। तो मैंने सोचा वीडियो यहीं एंड कर देती हूँ। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके एंड को देखिए एंड मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, बहुत लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसके जस्ट बाजू में आपको एक घंटी की जो साइन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ। तो चलिए टेक केयर, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। बाय।